अरे गेरी गेरी बिरखा भाजा ते पाछा कहीं आ जा गेरी गेरी बिरखा भाजा उठी पाछा कहीं जा उमन साची साची बात बताओ जियो तालियों के साथ में सची सची बात बताओ जियो सची सची बात बताओ जियो मख मख मारे कंवर अजमाला रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो रुणी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख मारे कंवर अजमाला गेरी गेरी बिरखा भाया पाछा कहीं जाओ ते मने सांची सांची बात बताओ आखिर में होयो कहीं है भगवान की कृपा हुई इतनो गेरो जमानो होने दी आशंका है और गेरो जमानो वे थे आपने खेत में बावला नहीं तो खाओ लगाई बोलो कहीं बात अब गांवरा ठाकुर था कौन बोले के थे बांझिया एक 80 बरसना डोकरा आगे आया हाथ पग धूजे और अजमाल जी महाराज रे सामने हाथ जोड़ कहो कि बाप जी आप तो ठाकुर हो आप तो मालिक हो आप तो अंदाता हो पर अरे थे तो अजमल जी बीरा बांझिया कही जो थी तू अजमल जी बीरा बांझिया कही जो भारा सुगन खराब घना होया जियो सुगन खराब घना होया जियो मख मख मारे कबरी अजमान रुनी चिरा राजा हेलो सांबड़ो जियो मख मख मारे कबरी अजमान बोले ठाकुर साहब अंदाता आप तो मालिक हो पर अंदाता आप बांझिया हो और बांझिया आदमी रा सुगन लेर खेत में जाने सो बढ़िया है कि घरे आराम करो क्योंकि थारा सुगना सो कहीं निपजनो तो नहीं और थारे जड़ा बांझिया आदमी रा सुगन लेर खेत में मेहनत करने सो मतलब कहीं अब देखो करसा आवड़ कावड़ शब्द कह दिया अजमाल जी महाराज रे पैरों नीचो बात सुन और धरती निकल गई किसान ने आडा टोडा बोलता बोलता अपने घर चला गया अजमाल जी महाराज धीरे 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 अपने घर पहुंचा जब पतिदेव ने मैनादे जी उदास देखा तो बोल दियो पिया जी ओ सजना आप यूं आज बिलखा बिलखा लाग रहा हो कई बात है आप बड़ा दुखी हो आप मने बोलो अजमाल जी महाराज रे आंखें मुंह आंसू आ गया बोले रानी बांझियो के वेरे मारो मुखी नहीं देखे
अरे बांजियों के वेरे मारो मुख नहीं देखे एड़ा कहीं पाप कमाया जियो एड़ा कहीं पाप कमाया जियो खम्मा 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 रे कबरे अजीमा रूनी चिरा राजा है लो सांबलो जियो खम्मा 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 रे कबरे अजीमा देखिए अजमाल जी महाराज रोता थका आंखा में आंसोरी लड़ी बेवे अपनी रानी मेणा देने कहने लगा बोला रानी इनसो चोको है कि भगवान मने दुनिया उठा ले बांजिया बांजिया करे। देखिए जब कभी भी आपके हमारे घर में कभी ऐसा मौका होता है तो पत्नी अपने पति को निश्चित रूप से धीरज बंधाती कि चिंता ना करो भगवान सब ठीक करेला। मैणा दे जी भी अजमाल जी महाराज ने समझाया बोले पियाजी चिंता ना करो ना, अब 12 साल तक द्वारिकाधीश का दर्शन किया, एक बार मैं बोल रही हूं 13वीं बार फिर चले आ जाओ। और इन बार द्वारकारो नाथ आपने मंदरी इच्छा जरूर जरूर पूरी करेगा। बाजरी ने लाडू बना दिया, अजमाल जी महाराज ने दिया बोले भगवान ने भोग लगाई जो और भगवान ने सच्चे मन से प्रार्थना कर जो। अजमाल जी महाराज फिर द्वारिका के रास्ते रवाना हो गया। सर्दी गर्मी बरसात उड़बाना पाड़ा थका पावों में छाला पड़ गया, एक सांवरियारी आस लिया अजमाल जी महाराज बहता गया बहता गया बहता गया। एक दिन द्वारिकाधीश से मंदिर रे आगे जा हाथ जोड़ खड़ा हो गया बोले भगवान 12 साल तक आयो थे हमारी नहीं सुनी, 13वीं बार फिर आ गयो और इस बार यदि नहीं सुनी तो थारी चौखट पर माथो पटक पटक मर जाऊला। पर पाछो घर ना जाओ आज अरे हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी हाथ जोड़ने अर्ज करूं जी आयो थारे बारने क्योंकि अरे दुनिया महाने मोसा दुनिया महाने मोसा बोले एक ताबद दे दुनिया महाने मोसा बोले किता पद दे कारने दुनिया महाने मोसा बोले किता पद दे कारने बोले केवे केवे अजमल सुन सावरा इतरो मत बन मुंजी और एक टाबरियो मने देवे एक टाबरियो मने देवे तो नहीं घटे थारी पूंजी। और नहीं सुनेला विघ्न करूला हरी पूजा आरती में विघ्न करूला मर जाऊला लोगों रो भरोसा उठ जावेला थारे ऊपर सो कि एक भगत भगवान की चौखट पर मर गयो पाछो घर ना जाओ बहुत देर हो गई। अब भगवान रे आगे अजमाल जी सर पटक पटक रो रहा है।
अजमाल जी महाराज जी ऊपर देखो तो भगवान की मूर्ति मुस्कुराती हुई दिखी, और जब मूर्ति ने मुस्कुराती हुई देखी अजमाल जी महाराज रो क्रोध और बढ़ गयो। अब और कुछ हो नहीं पास में, वे बाजरी रे लाडू लाया भगवान ने भोग लगाने वास्ते। अजमाल जी महाराज रीस में वे बाजरी रे लाडू भगवान की मूर्ति रे मार दिया। मंदिर का पुजारी जी दौड़ता दौड़ता भागता भागता है, बोले कि ठाकरा कहीं कुका मांडो मांडो है। अजमाल जी महाराज पुजारी बता दे कठे बार का रोना, दर्शन करीवाने आयो जियो, दर्शन करीवाने आयो जियो, अम्मा खम्मा खम्मा रे कवरे अजीमा। अब बोले पुजारी जी इतना साल हुआ हो आप सुबह शाम भोग लगाओ आरती करो, आपने तो पतो वेला कि भगवान कठे, और बड़ी रीस में जब पुजारी जी देखे ठाकुर ने तो पुजारी खुद डर गया, बोले बताओ नहीं तो एक मिनट में मंदिर खाली करो। पुजारी जी अब सीधो सीधो तो जवाब क्या देवे, कहो ठाकुर साहब गर्मी ज्यादा पड़ रही है, जेठ महीनो है और इतनी गर्मी भगवान ने सहन नहीं हुए, तो भगवान अभी समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। पंडित बोलियो सुनो ठाकरा मूर्त आगे कहीं लड़ो, और सांवरिया सो मिलनो वे तो समुद्रिया में, समुद्रिया में कूद पड़ो, क्योंकि इन सागर पीपा जी ने मिलिया चार गुजारदार ने, भगवान पीपा जी ने मिलिया थाने भी मिल जाती। पुजारी जी कह दियो कि ठाकरा समझ में नहीं आवे भगवान समुद्र में विश्राम करने वास्ते गया है। बोले इतनी बात सुनी अजमल ने समुद्रिया में कूद पड़ा, और सोने का तो महल देखा, हीरा पन्ना खूब जड़ा, आए सांवरे दर्शन दीना सिर पर पट्टी बांधने, भगवान रे माथा ऊपर पट्टी बंधी हुई है, माथा ऊपर सु खून बह रहे है। अजमाल जी महाराज बड़ा हक्का बक्का हो गया, बोले भगवान की कर दो खबरा, मैं तो सुनियो तो कि आप तो बहुत बड़ा आदमी हो, आप तो इन तीन त्रिलोक का नाथ हो, आप तो बड़ा शक्तिशाली हो, और आप इतना बड़ा शक्तिशाली हो तो फिर आपने माथा ऊपर चोट कैसी है। भगवान मुस्कुराता कह दिया कि अजमाल थारे जड़ा कई बड़ा भगत ही दुनिया में है। बोले भगवान वो कई, बोले कोई भगत मारे लाडूरी मार दी। अजमाल जी बोलिया भगवान मैं तो भी मूर्ति ने मारी आपने चोट कटू लागी। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने समझाया, बोले कि देख अजमाल उन मूर्ति में मारो वास नहीं होतो नहीं तो तू कोई बारह बारह साल तक थोड़ी आतो। अजमाल जी महाराज भगवान के चरणों में गिर गया, और भगवान ने हाथ जोड़न विनती करने लगा। अजमाल जी महाराज जब भगवान के चरणों में पड़ा तो भगवान अजमाल जी महाराज ने कहो कि अजमाल चिंता ना करना, हरे बड़ो विरम दे वेला। अजमाल जी महाराज ने उस बात को ही पकड़ लिया, बोले भगवान बड़ो विरम दे वेला तो छोटो कौन वेला। तब श्री हरि विष्णु अजमाल जी महाराज ने कहने लगा, बोले जद चंदो करे बरस चौपनो नयो बास जग, बरस चौपनो मास भाद वो नयो चांद जग फूगेला।
सुन रे अजमल थारे पालड़े दो दो टाबर झूलेला ओ पानी रो तो दूध बनेला पानी रो तो दूध बनेला कुकू पगल्या आंगने भगवान के अवतार की बात है तालियों के साथ में दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारण दुनिया माने मोसा बोले एक टाबर रे कारण अजमाल जी महाराज भगवान रा कॉल वचन कर अजमाल जी वापस अपने घर आ जावे। कुछ समय बाद में मेणा दे जी बीरम दे जी ने जन्म दियो और उसके कुछ समय बाद एक दिन रात रा 1461 साल भादवे महीने री दूज की रात चंद्रमा उगयो चारों तरफ तूफान आयो और अजमाल जी महाराज रे आंगणे में बीरम दे जी रे साथ में एक बालक आ और पहुंच गयो बड़ी अजमल घर अवतार की जय। अजमल जी ने आंगणे में भगवान रे वचन अनुसार कुंकुरा पाव मंडिया घर रो सारो पानी दूध बन गयो चारों तरफ रोशनी हुई आकाश गर्जना हुई और भगवान अजमल जी ने जब आंगणे में आया तो भक्त लोग लिखियो है खम्मा 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 हो कवरिया जी मानरा खम्मा 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 हो कवरिया जी मानरा खाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो ओ खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम अजमल घर अवतार लियो भादरवारी दूजी जाननी अजमल घर अवतार लियो कुकू पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो कुकू पगला मांड सावरियो पालनिये में पोड़ी गयो दो दो बालक देख पालनिये सगला अचरज भरी लाडा बालिका नात्री लीला राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा गणी गणी खम्मा राजा राम साफी ओ गणी गणी खम्मा राजा राम साफी ले ओ
पहलो परचो पिता अजमल जी ने तीनों कुंकुड़ा पगलिया मंडाया और दूजो परचो माता मेणा देने दियो उफण तो दूध दबायो। अब देखिए दो दो बाल की देखी पालनी है मेणा दे शंका लाई मेणा दे शंका लाई ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई ओ कहीं जादू होयो घर में माता मन में घबराई मारी शंका ने मिटाई मैया री शंका ने मेरी दूध उफण तो लियो ता लीला देखी श्याम सुंदरी लीला देखी श्याम सुंदरी इवड़े आयो है हमें तो पूजे राजस्थान जियो। खम्मा 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 हो थाने तो पूजे राजस्थान जियो गुजरात जियो खम्मा घनी घनी खम्मा राजा राम साहब घनी घनी खम्मा राजा राम साहब हो घनी घनी खम्मा राजा राम साहब। धीरे धीरे सबे जो चक्र चलतो रहे हो अजमाल जी महाराज बड़ा लाडा कोटा सू बीरमदेव जी ने और रामदेव जी महाराज ने बड़ा कर दिया माता मैणा तेरो लाड माता मैणा तेरो स्नेह मिल रही हो। बाल अवस्था में बाबा रामदेव जी जब आया तो गांव में एक रूपा नाम रो दर्जी थो दर्जी बड़ो लालची हो बाबा रामदेव जी महाराज जब बाल अवस्था में आया तो बाने दर्जी री करतूत रो पतो लागो कि गांवरा लोग रूपा दर्जी बड़ा दुखी है कोई महंगो कपड़ो कोई भरी ले जार देवे तो वो भरी तो अंदर राख दे और सूतीरा कपड़ा बनार दे देवे गांवरे लोगों की मजबूरी थी। और बाबा रामदेव जी महाराज एक बार अपने मन में निश्चय कर दर्जी ने परचो देने री ठान आज चटने करूं रे सवार माने कयो ए मन घोड़ लियो मंगवाए मारी मां मन घोड़ लियो मंगवा Bye.
लियो मंगवाए मारी मां मने घोड़ लियो मंगवा अपनी मां मेणा देसू हट पकड़ बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रो घोड़ी घोड़ो मांगियो मां मेणा दे रेशम रो कपड़ो रूपा दर्जी ने दियो रूपो दर्जी चोरी कर दी बाबा रामदेव जी महाराज कपड़े रे घोड़े ने आकाश में उड़ा दियो रूपा दर्जी ने जेल में बंद कर दियो रूपो दर्जी जब अपनी गलती ने मानी तो बाबा रामदेव जी महाराज रूपा दर्जी रा फन छोड़ाया लक्की बंजारो बाड़द ले आयो झूठ बोलियो कर्री चोरी टैक्सरी चोरी करने वास्ते लक्की बंजारो झूठ बोलियो बाबा रामदेव जी महाराज मिश्री रो लूण बना दियो लक्की बंजारो बाबा रामदेव जी महाराज रे पगा में पड़ियो तो वापस लक्की बंजारे ने माफ कर दियो बहिता बाणियारी जाज समदा में तराई और यूं करता करता बाबा रामदेव जी महाराज मोटियार हुआ। बाबा रामदेव जी महाराज जब मोटियार हुआ तो हर माता पिता अपने बेटे रे ब्याह री कामना करे माता मेणा दे रे मन में भी आयो कि रामदेव जी महाराज रामदेव बड़ो हो गयो कोई डंगरी जगह पर सगाई सकपण करो ब्याह री बात चलाओ। एक दिन अजमाल जी महाराज ने मेणा दे जी जार कहो कि पतिदेव आप तो राज कार्य राज रे काम में ऊंचा नहीं आओ घर में दो दो बेटा जवान हो गया है और आपने बात रो पतो ही नहीं है। देखिए हर आदमी रा किस्मत हर आदमी रा भाग्य भगवान बेमाता लिख भेजा करे। अमरकोट में दलजी सोडा रहता दलजी सोडा रे एक बेटी जो जन्म री पांगली थी नाम तो नेतल अटिने जैसे माता मेणा दे रे मन में चिंता हुई उसी प्रकार दलजी सोडा रे घर में भी एक दिन दलजी री लुगाई जार दलजी ने कहो कि थे तो राज काम में इतना उलझोड़ा हो और घर में आप पांगली बेटी है मोटियार हो गई है जवान हो गई है कटी कोई ठिकानो अपने बराबरी दा कोई सरदार देखो अपनी बेटी री सगाई करनी है थोड़ी बहुत तो चिंता आप भी मन में रखो। अमरकोट सोडा घरे अमर सो अमरी कोट सो डागरे ने कनिया जन्मी है हो जी अजमल घर अवतार सो जारा लिखा विदाता दल जी के दो पुत्र भये कन्या एक सुजा प्राणपति अर्जी सुनो
नेतल दे अपनी मां ने जार कहो कि मां मारी सगाई ब्यावरी चिंता करनी आपने जरूरत नहीं है। पिछम धरा में रुणीचा नाम रो गांव और रुणीचा रा जो कुंवरसा है रामदेव जी बारे साथ में तो मारो भाव भाव रो रिश्तो है भाव भाव रो संबंध है। और आप यदि कर सको यदि मारा पिताजी ने समझा सको तो मारो तो लगन रामदेव जी रे साथ में यदि कर सको तो करनो। और मैं जन्मी मारे वास्ते लारला कई कई भवा में मारो संबंध दलजी री री पत्नी जार दलजी ने कहो कि पतिदेव सुनो हो बेटी रे मन री बात प्राण पति अरजी सुनो रे कन्या कही सोबा अजमल घर अवतार से थे ब्याव करो गुण सा। जब ठाकुर साहब ने बात कही तो ठाकुर साहब राजी हो गया। ब्राह्मण देवता ने बुलाए सोनारो नारियल दियो और जगह बता दी बोले रोणीचा गावरा ठाकुर साहब है अजमाल जी महाराज मारा बेटा है रामदेव अपनी नेतल रो ब्याव रामदेव जी रे साथ में करनो है आप उस नारियल लेर जाओ। ब्राह्मण देवता घूमता घूमता एक दिन रोणीचे आ गया जार माता मैणा देवी ने जान कहो कि मैं अमरकोट सु आयो हूं अमरकोट रा सरदार अमरकोट रे सिरदारा रो रिश्तो ले आयो। बाबा रामदेव जी महाराज खड़ा माता मैणा दे और ब्राह्मण देवता आपस में बातचीत कर रहा है। माता मैणा दे मन में विचार क्यों कि घर आयो रे नाले रो अनादर नहीं करनो। बोले कि ब्राह्मण देवता आप तो अपने ठाकुर साहब ने जार कह दो कि मैं अपने बेटे रो ब्याह आपरी बेटी रे साथ में करने वास्ते तैयार हूं और 1,25,000 री मोहरा दे और ब्राह्मण देवता ने विदा कर दिया। रामदेव जी महाराज आ सारी बात सुन ली। रामदेव जी महाराज रे ब्याव नहीं करनो। रामदेव जी महाराज 80 बरस री उम्र धारण कर एक डोकरो बन और मंदिर में जात बैठ गए। ब्राह्मण देवता जाता जाता मैणा देव जी ने कह दियो कि मां कुंवर साहब केड़ा खे मैं देखनी चाहूं कुंवर साहब रो। माता मैणा दे ने जब ब्राह्मण देवता कहो कि मैं कुंवर साहब ने देखनी चाहूं तो माता मैणा दे कह दियो कि वाप गावरे बार पधारो बटे कटी आपरे संगी साथी रे साथ में खेलता वेला बैठा वेला तयो में वेला। ब्राह्मण देवता जार देखे तो रामदेव जी महाराज 80 वर्ष री उम्र धारण कियोड़ा बैठा। ब्राह्मण देवता कहो कि इतनो बूढ़ो आदमी ने तो अपने ठाकुर साहब बेटी नहीं दे। जार मैणा देव जी ने माफी मांगी बोले कि मां 80 साल रो डोगरो बैठो है और 80 साल रे डोगरा रे साथ में मारा ठाकुर साहब अपनी बेटी रो ब्याह नहीं करे। तब माता मैणा दे जा रामदेव जी महाराज ने समझाया बोले रामदेव थारे जन्म रे कारण थने दुनिया में लाने वास्ते थारे पिताजी कितना कितना जतन किया और आज तू यदि ब्याहवी वास्ते इनकार कर देला तो तमर वंश आगे कैसे बढ़ेला। हे बेटा तू मान जा थारी माँ थने समझावे अपनी माँ री बात मान। बाबा रामदेव जी महाराज अपनी माँ ने हाँ भर दियो बोले कि माँ मारे ब्याह नहीं करनो पर मैं थारी बात ने नहीं टाल सकूं ये वास्ते तू कहवे जो मैं करने वास्ते तैयार। घर में ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। माता मैणा दे उदास और उदास जब अपनी मां ने देखी तो रामदेव जी पूछ लियो कि बेटा मां थारे कहने से तो मैं हां भरी पर आज तू बिल्की बिल्की लाग रही कई बात तू उदास क्यों थाने किन बात री चिंता है। तो माता मैणा दे रे आंखों में आंसू आ गया बोली बेटा हरे लाछा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आ लाचा तो आई बेटा तुम्हारी सुगना क्यों नहीं आई अरे बाई सुगना ने बेगी बेगी लावो दियो लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई लाछा तो आई बेटा सुगना क्यों नहीं आई
मारी सुगणा ने भेगी भेगी आवो जियो खम्मा 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 रे कवरे अजी मालरा गुणी चेरा राजा है लो सांबड़ो जियो खम्मा 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 रे कवरे अजी मालरा रामदेव जी महाराज री दो बहना थी। मैं आपने पहले निवेदन किया कि धनरूप सिंह जी रामदेव जी महाराज रा काका था और धनरूप सिंह जी की दो बेटियां थी, एक रो नाम लाछाबाई तो दूसरी सुगणा थी। लाछाबाई रो ब्याह पोकरण में कियो गयो। लाछाबाई और सुगणाबाई ने बीकानेर जिले में पुंगलगढ़ गांव में पुंगलगढ़ रे पड़िहार और विजय सिंह जी रे साथ में सुगणाबाई रो लगन हुआ और पुंगलगढ़ रा पड़िहारों ने अपने क्षत्रिय होने रो बड़ो अभिमान। तो रामदेव जी महाराज सामान्य गरीब आदमी री सेवा करता, रामदेव जी महाराज ऊंच नीच रो भेदभाव नहीं मानता, रामदेव जी महाराज असहाय पीड़ित लोगों री सेवा करता। और इन बात सो पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा बड़ा क्रोधी क्रोध में था, पुंगलगढ़ा पढ़ियार बड़ा नाराज था और इन वास्ते सुगणाबाई ने 12 साल तक सुगणाबाई ने पीहर नहीं भेजी। देखिए अठीने सुगणाबाई अपने भाई अपने माता पिता अपने पीर ने याद करता था का आंखों में आंसू डा ढलकावे बोली बीरा मारा राम दे के तो आजा बीरा राम देव नहीं तो लिख भेज संदेह जी नेड़ो में आंसू पड़े जो सावन अठीने सुगणाबाई उदास उठीने मां उदास। तो मां जब रामदेव जी महाराज ने कहो तो रामदेव जी महाराज कहो कि मां चिंता मत कर मैं अभी प्रबंध करूं सुगणा ने लाने रो। बाबा रामदेव जी महाराज रा एक खास भगत था जारो नाम तो रत्नो राय को। रामदेव जी महाराज रत्ना ने बुलाए, रत्नो हाजिर हो गए, बोले बाबा हुक्म कराओ। बोले कि हुक्म नहीं पुंगलगढ़ जानो है। रत्नो बोले कि गांव अब यूं तो कोई गयो तो मरुला। रत्ने दिमाग लगा और एक मरियल सी सांड थी दुबली सांड, बोले कि या तो ना पुगे रस्ते में आ मर जाए रे। मैं पाछो हार कह दूंगा बाबा सांड मर गई बीजो रत्न राय को वह मरियल सी सांड ली। जब पुंगलगढ़ ने मार के रवाना हुए बाबा रामदेव जी महाराज री ऐसी कृपा हुई कि वह मरियल सी सांड बाबा रामदेव जी महाराज री कृपा सो पुंगलगढ़ की तरफ भागती हुई जा रही। रत्न रे मन में भरोसा हो गयो कि मारो बाबो मने मरने नहीं देला। अब रत्नो राय को थो वो तो बाबा री मस्ती में भक्ति में मगन हो। पुराने जमाने में कई सिस्टम था, रावड़ा में घोड़े चढ़ियोड़ो सांड चढ़ियोड़ो अंदर नहीं जानो, साफो नहीं पैर तो ठाकुर साहब मिल जाता तो खमागणी अंदाता पगों में पड़नो पोतियों मिलनो पड़तो। रत्ना ने ही सारी बातों रो कोई पतो नहीं। रत्नो जो ही पुंगलगढ़ में प्रवेश कियो जार सीधो रावड़ा में सांड पर बैठो बैठो चलो गयो। सामने सुगणाबाई जब पति देव विजय सिंह जी बैठा और सांड रे ऊपर बैठो बैठो जब रत्ना ने आओ तो देखियो तो दूर से आवाज लगाई, बोले आज कौन है। थोड़ी बहुत मर्यादा नहीं जाने रावड़ा में सांड ऊपर बैठो बैठो आ गयो, कौन है थारो नाम का ही है। रत्नो बोले कि हो तो मु रत्नो कठू आयो। बोले कि रामदेव रासू मारा बाबा रामदेव जी मने भेजो है। इतनी बात करते ठाकुर साहब रो क्रोध और बढ़ गयो, बोले कि चुप खबरदार है। और बोलिया अरे उन रे कामड़िए जो रत्ना नाम मती लीजे केतड़ी रे माई जियो घेरोला केतड़ी रे माई जियो खम्मा 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 वो कवारी आजी मामला रुणी चेरा राजा है लो सांबलो जियो खम्मा।
ખમખ મખ મારે बोली रत्ना खबरदार है अभी तो लियो वापस लेने की जरूरत नहीं है। बोले कि मैं तो मारे बाबा रो भेजोड़ो आयो। बोले आयो कि कर मारी भाई सुगना ने लेवण वास्ते आयो। पोंगल गढ़ा पढ़ियार विजय सिंह जी रो क्रोध और बढ़ गयो। अपने फौज ने अपने सैनिकों ने आवाज लगाई, बोले रत्ने ने कुएं में उल्टो लटका दो। सुगना बाई री ननंद सुगना बाई ने जार कहे कि भाभी साहब नाम तो पतो नहीं लेकिन रत्नो नाम रो एक आदमी आयो तो आपरे पीरसो और मारा भाई साहब इन्हें जेल में बंद कर दियो। तब सुगना भाई री व्यथा सुगना भाई री पीड़ा अंदर सो और जाग उठी। बोले भाई मैं तो थारो कोई कसूर कियो वेला लेकिन इन भोलिए रत्ने थारो का ही कसूर कियो इन्हें जेल में। सुगना भाई डागला पर चढ़ गई और मन में विचार कर दियो कि भाई या तो तू आ जा नहीं तो सुगना और प्राण दे और थारो नाम बदनाम कर देला। दुनिया में कहवेला कि दुनिया में भगवान बनोड़ो फिरतो और मेरी बेन मेरे दुखरे सु कारणो मर गई। और बोली अरे भी राम हरा बोले भाई थारी कोई जामन जाई होती थारी सगी बहन होती तो तू जरूर ले जातो पर मैं तो थारे काकारी बेटी बहन हूं वास्ते थने मारी चिंता क्यों। मैं तो थारी दुबाली बहन हूं और काकारी बेटी हूं वास्ते थने मारी परवाह नहीं। बाकी थारी जामण जाई होती तो तू कद को ले जातो ये दुख रे कारण मैं अपना प्राण दे दूला। बाबा रामदेव जी महाराज ने अपने भाई ने याद करती थकी सुगना भाई पुकार की बोले बीरा थारे लारले जन्मरा कोई काला तिल चोरिया ई जन्म में थारो कोई गुना कियो जी तू दुख में परना दी बात बात पर पोंगल गडरा पड़ियार तानो मारे बात बात पर थारो नाम ले मने सतावे। बोले थारो भाई रामदेव तो कामड़ियो है। बोले बीरा तू दुनिया वास्ते भगवान बन गयो और वो दुख मारे गले क्यों घाल गयो। यदि तू भगवान ना बनतो तो मने भी दुख नहीं तो लेकिन तू दुनिया रा कारज सारे बिरा मैं थारो कहीं गुना कियो और अठी ने मारा माता पिता री याद घनी सतावे बिरा।
मेरा रामदेव दे पहिने एक करले बनिया पर दो बैरो सास दो दे जीरावो माता मिलवा मारो सारो बारो रेवे और काले थारो ब्याह हो जावेला बुझाई आवेला तो घर में जानो और घर में बैठनो भी मन तय करनो पड़ेला कि कट तक बैठनो और कट तक रहनो। पन्नालाल जी बहुत सुंदर लिखियो है कि जिस घर में माँ है वो पीहर और जिस ससुराल में सासू है वो ससुराल, सासू नहीं है तो फिर ससुराल रो भी कोई अर्थ ना। बोली मन को निमाने दी बीरा हरा बीरा हरा राम देव दे भाई ने एक करीले बनिया अड़गो बैरो सासिरो पुकार सुनी सुगना भाई मरने वास्ते तैयार हो गया।
तब रामदेव जी महाराज ने रात्रा वक्त सोता ने सपनो आयो। सपना में उठ और अपनी मां ने कहो कि माता मैणा दे मने खोटो सपनो आयो, मैं सुगणा ने रोवती देखी हूं। अपने साथ में शक्ति रो संचय कर, शक्ति रो आह्वान कर। बाबा रामदेव जी महाराज रुणीचा सो रवाना हो पोंगलगढ़ पहुंचा। पोंगलगढ़ रे पढ़ियारो रे अभिमान ने खत्म कर और अपनी बहन सुगणाबाई ने वापस रुणीचे जब ले आया, तब घर में चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ खुशियां, चारों तरफ उत्सव। बाबा रामदेव जी महाराज रे ब्याह री तैयारियां शुरू हुई। बाबा रामदेव जी महाराज ने पाठ बैठाया और चालो विनायक आपा जोशी घर चाला, चालो विनायक आपा जोशी जी रे चाला, चोखा चोखा लगन लिखावा, लगन लिखावा मारो देवी विनायक, सुंडी सुंडाड़ो यो तो धूम धुमारो, मारो प्यारो रे विनायक, चोखा चोखा लगन लिखावा मारो देवी विनायक, देव विनायक मारो विरह विनायक, ओछी पिंजारो कमल गाड़ो रे कमल मारो गिरी दीदी नायक, औ चीरे पीनी रो कामन कारो रे नखराड़ो रे मारो वीर दीदी नायक। चालो नी विनायक आपा चीरविये घर काला, चालो विनायक यो पे सीरविया रे प्यासा, चोखी चोखी बरिया मोलावा वो, चोखी चोखी बरिया मोलावा वो मारो देवी विनायक, चोखी चोखी बरिया मोलावा हो मारो वीर दुनायक, अरे चालो नी विनायक आपा चूड़ी घर चाला, चालो विनायक यो पे चूड़ी घरी जावा, अरे चालो नी विनायक आपा चूड़ी घर जावा, चालो नी विनायक यो पे चूड़ी घर रे चाला, चोखा चोखा चूड़ी ला मोलावा मोलावा मारो वीर विनायक मारो देव विनायक, अरे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना दे, सोना रो बाजोटियो ने मोती रो सोजड़ियो, अरे सोना रो बाजोटियो ने हीरा पन्ना दे, अरे सोना रो बाजोटियो ने मोती आली के साथ रे, अरे अजमल जी सरी का तारा, अरे सापे नारी साया सो पट खेलो ला दे मेरा तन बाजोटे मेरा, अरे चंपे नारी छाया चौपट खेलो ला दे मेरा तन बाजोटे, अरे बाजोटे बेटा बना
ભલે હોગ કે રમાઓ અરે ભી ગુડડી ગુટી ખિલાઉં ઓલા દેલડા અન બાજો તે દેતા અરે ભી ગુલરી ગુટી ખિલાઉં ઓલા દેલડા અન બાજો તે મેરા અરે મેણા દેસરી ખા તારા માતા બોલા ડેલડા અને બાજો કે અરે મેણા દેસરી ખા તારા માતા ઓલા ડેલડા અને બાજો ટે બેરા અરે સુગણા બૈસરી ખા તારા બેના ઓલા ડેલડા અને બાજો કે અરે સુગણો બૈસરી કા થોરા બેનો હોલા દેલડા તને બાજો તે બેરા અરે ભીરમ દેસરી ખા થારા બીરા હોલા દેલડા તને બાજો તે બેરા બાજો તે બાજો તે રામદેવજી મહારાજ ને મિત્ર લોક હલ્દી લગા રહ્યા હે મારી હલી ધીરો રંગ સુરંગી આડી પીજે મારો હલ ધીરો રંગ સુરંગી નીપજે મારી હલ્દી મોલાવે બનારા બાબોતા બનારા હલ્દી રંગ ચઢ્યો એ મોલાવે રામદેવ ધીરા પીરે હળદી રંગ રે મારી હલ્દી રો રંગ સુરંગી આની પીજે અશોકજી ભી ગાય તો અબ રામદેવજી મહારાજ ની બરાત ચડી આ અરે ઘોડી કરે જી હાતાઈ દાતા જાન ચડો રામદેવજી દાતા એ ઘોડી કરે રે ધીરા આકાજી દાતા જાન ચડો રામદેવજી દાતા અરે ઘોડી કરે જી આ બાઈ ધાબા જાન ચડો કેશરી અરે ઘોડી કરે આ તો આ બાજી દાબા જાન છડો રામદેવ જીરા બાબા અરે તેલ ચડી ને તલ જોવે બાટા તેલ ચડી ને તલ જોવે જી બાટા જાન છડો રામદેવ જીરા બાબા અરે તેલ ચડી રે નાજુ જોવે બાટા ઘોડી કરે જી હા કઈ જાતા જાની ચડો રામદેવજી બનાસા મારો કેસરીઓ હજારી
जारी खुली रो खुली बना उबाओ मैं जोड़े से खड़ा कर दूंगा ध्यान रखना ए बना समारोह के सदियो हजारी गुली रोने फूली हजारी रे गुली रोने फूली चंपारी पीपी ए बिना समारोह के सदियो हजारी हंजारी रे गुली रो फूले ये सब पेड़ी रे टिकी पाव ए बिरा मारा मातलियो मती रहे ने गुजरे पादी तालियों से अभिवादन करें सभी लोग मती रहे ने गुजरे पादी ये साथी डारी निजीरा अरे भाई भाई माजड़ियो ये मंत्रावे ने ये भुजरे बांधी मंत्रावे ये भुजरे बांधी भवर जी ने निजरा लागे ये पीरा मारा अड़के धड़के चौवटी मती जाई सावटी ये मती जाई चोरा सदी निजीरा ए पीरा मारा जड़ी के धड़ी के अरे बागों में मती जादे बागों में मती जादे इंदिरा मालड़ी नजीरा लादे ए पीरा मारा अड़के धड़के चौबरी सबरिया में मती जाई सासू जीरी निजीरा अरे छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला बोली रामदेव जीरी दान हलावे लिया छोड़ दे ला गांव घोड़ो फेर दे ओ लाडला रामदेव जी महाराज री बारात अब रुणीचा सो रवाना और अमरकोट पहुंची है ए गोपाल लाल में तो थारा मसके लाडा थारी मोजरी रे धड़के के सरिया हे मची के लाडा थारी मोजरी हो भड़के के के लाडा थारी मोजरी रे गड़के केसरिया दी जो
मली जी रोला दिलो रामो वीरो पणि जवाने ओरे राजा अज मली जी रोदी राम देवी परणि वाले रामदेव जी महाराज री बारात जब उमरकोट पहुंची तो रामदेव जी महाराज की जो सासू थी उसको भरोसा नहीं था कि मैं सुनियो कि अवतारी परीक्षा तो करनी चाहिए कि अपना कुंवर सा वास्तव में अवतारी है। अठी ने नेतल अपने भाव भाव रा भरता अपने पियाजी रो इंतजार कर रही है। दो पंक्तियां प्रस्तुत करना हो दड़बा दड़ बीच चमके जीता दड़ बादल बीच चमके जी तारा दड़ बादल बीच चमके जी तारा दड़ बादल बीच चमके जी तारा सांझी पड़ा पीवी लागे जी प्यारा सांझी पड़ा पीवी लागे जी प्यारा कहीं तो मिजाज कदूरस कहीं तो मिजाज कदूरसिया ओ दड़ी बादली बीच चमके जी तारा बादली बीच चमके जी तारा ओ सांझी पड़ा पिबजी लागे जी प्यारा सांझे पड़ा सांझे पड़ा पिबजी लागे जी प्यारा कहीं तो मन बारे सासू एक मरी हुई बिल्ली ने थाली में राख और रामदेव जी महाराज की परीक्षा करने वास्ते डेरा में भेजी। रामदेव जी महाराज बिल्ली रे ऊपर हाथ घुमायो बिल्ली वापस जीवती खड़ी हो गई। सासू ने भरोसा हो गया कि मारो जो पावनो है वो अवतारी है। अब ब्राह्मण देवता चमरी में हथले वो जोड़ा और चमरी में बिठावे। सब लोगों ने टेंशन थी कि जब फेरा वेला तब भीनड़ी ने उठनो पड़ेला और नेतल तो जन्म सु पांगड़ी है और यदि आप चमरी में उठ नहीं पाई चल नहीं पाई और बारा दीदी वापस लौट गई तो फिर क्या वेल। लेकिन रामदेव जी महाराज रे ऊपर जब सासू बिल्ली ने जीवती कराई तो सासू ने भरोसा तो इन बात रो कि मारी बेटी रो जो भर है वो कोई सामान्य पुरुष नहीं जो सामान्य आदमी नहीं ये तो अवतारी है। अरे थे दो तोरणिये आए ने उबावो रे जा एक बार खड़े हो जाओ महावीर जी थोड़ा सा आप आ जाओ। ये तो तोरणिये ये तो तोरणिये आए ने उबावो रे जा ये तो तोरणिये आए ने अरे जाके तो तोरणी ने बलियुगा अरे जाके तो तोरणी ने बलियुगा
बाबा रे जाथे नो तोरणी ए भले जुबा अरे रे जाथे तो तोरणी ए भले जुबा वो केसरिया जडो नी वो नवल बसे अरे रे जाथे तो तोरणी ए भले जुबा हो सडोनियो नवल बसेरी सडोनियो सायर गोड़ी अरे रे जा थारे माता रो दुमालो रे जा थोरे माता रो दुमालो ये देखे ने जिदड़ो जा थारे माता रागज मोती भेजा थोरे कोनो रागज मोती अरे भेजा थारे कोनो रागज मोती भेजा थोरे कोनो रागज मोती एमे तो आडिये गुंगती ज्योति हो के सरिया ढोनी वो नवल मैं तो आडोरे घूंघट ज्योतियो के सरिया सडोनियो नवल बसेरी चमरी में सहेलिया गावे अरे पेलो फेरो पिरियो ने तल बाबू सारी लागली पेलो फेरो फरियो ने तल बाबू सारी लागली अरे पेलो फेरो पेलो फेरो बाबो सारी लाडली पेलो फेरो फरियो ने तल बाबो सारी लाडली अरे दूजो फेरो माता जी री दीवरी दूजो फेरो माता जी री दीवरी अरे तीजो फेरो काका री भती तीजो फेरो काकारी भती अरे चौथे फेरे नेतल बाई हो यारे पराया चौथे फेरे नेतल बाई हो यारे पराया चमरी में उतरने रे बाद में ब्राह्मण देवता भाई ने बुलावे फिर पिता को फिर माँ को काका बाबा मामा सबको धीरे धीरे बुलाते अरे सेवरियों रा दान बैरा पीरो सा तो तेरे आई रे धरम री देरा ये सेवरियों रा दान बैरा भाई जियो देवे आई रे धरमिया री देरा होरा अरे गाया भेसा दान बैरा माता जी तो तेरे आई रे धरम री देरा होरा अरे गाया बेचा दान बैरा माता जी तो देवे आई रे धरमिया री देरा होरा अरे हाथा राहत फूल बैरा बाबी सा तो देवे आई रे धरम री देरा होरा हाथो राहत बैरा बाबी साथो देवे आई रे धरमियारी तेरा कोरा अरे सोना रो तंदोरो बैरा मामो साथो देवे आई रे धरमरी बेरा ये सोना रो तंदोरो बैरा मामी साथो देवे आई रे धरमियारी सावारी बिछुड़िया बैरा मामी सा तो देवे आई रे धरम री बेरा ये हाथों वाला गजरा बैरा मामी जी तो देवे आई
संगे घर मियारी अरे दोनी बाबो साबाई ने दारी जोरे मारी नेतल भाई सासरिये रोजा ये दोनी बाबो जी भाई ने दाई सो मोरा नेतल भाईयो पाला अरे दोनी बाबो साबाई ने दारी जो मारी नेतल अरे दोनी बाबो साबाई ने दाई सो मोरा ने तलवाईयो पारा अरे मोरियो ए माया तो बाबो सादी लाडक चाली सास रे बोरा आज मो अरे मोरियो ए बाबो सारी लाड के साली सास रे मोहियो चुप रे भाई चुप रे बोली रे भाई तने भेगो लेण वास्ते आउला चिंता ना कर अरे मोहियो ए तो माता दीदी धीवड़ी चाली सासरे बोरा अरे मोरी ओ ए माया तो माता दीदी धीवड़ी चाली सासरे के माते रोकड़ा लारे रह गया सखी सहेलियों साथ छूट गयो माता रो हेत पिता रो लाड ये सब कुछ पीछे पीहर रा रोकड़ा नेतल भाई पीछे बार बार पीछे अपने पीहर रे रोकड़ा ने देखती हुई रामदेव जी महाराज री बारात वापस रूणीचारी तरफ आ रही जाए भोली चिड़कूली जा जाए भोली चिड़कूली जा सांस दिए सास दिए दियो जा जाए मोरी चिड़कू माँ थन ससुरो लड़ावे ला प्यारी कोयलड़ी सासू जी देवे माँ प्यारी कोयलड़ी एक साथ नाम बोलेंगे बारे कृपा चिड़कूली जा
सासरी थारा सासू लड़ावे थनेला प्यारी कोयलड़ी जेठ जेठानी देवे मां प्यारी कोयलड़ी थारा सासू लड़ावेला प्यारी कोयलड़ी जेठ जेठानी देवे मां थारा सासू जी देवे थनेला प्यारी कोयलड़ी जेठ जेठानी देवे थने मां प्यारी चिड़कू जा जाए कोयल पीहर सो विदा ले। बाबा रामदेव जी जब रूणी चे आया तो सगड़ा लोग रामदेव जी महाराज रे सामेले में खड़ा सब खुश, लेकिन सुगना भाई उदास, मेला कुचेला फटा हुआ कपड़ा पहन खड़ी। रामदेव जी महाराज समझ गया कि कोई न कोई बात जरूर है। बोलियो कि बहना, इन घर में इन सु बड़ी खुशी रो मौको नहीं हो सके, लेकिन तू आज मोड़ी क्यों है बहना? कोई यार रामदेव जी महाराज रे कान में कह दियो कि सुगना भाई रो जो भाणु तो भी ने सर्प डस गयो और वो सिधार गयो सुरग। रामदेव जी महाराज अपनी बहन ने परचो दियो, बोले कि बहन मैं बड़े मानसु थने ससुराल सो उठे लेन आयो, तो रोती नहीं भेजोला, तो चिंता मत कर, देख पीछे देख लारे देख, बो थारो भाणु थोड़ियो थोड़ियो हार्यो है। रामदेव जी महाराज मरोड़े भाणु ने जीवित कर। और अरे आवो 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 भाणु थने मामो साबुला, आवो आवो भाणु थने मामो सा बुलावे, रिम जिमी घूंगरिया धमकावो दी थने मामो सा बुलावे, ए रिम जिमी घूंगरिया बजावो दी थने मामो सा बुलावे।
આવે ઓ ખમ્મા ખમ્મા હો મારા રૂણી ચેરા ખમ્મા ખમ્મા હો મારા રૂણી ચેરા ધણિયા ઓ થાને તો ધાવે આખી મારવાડ હો બાબા ગુજી રાત હો અજમાલ જી રાત મોરા જીને લગા હું ડાળી બાઈ બાબા થારા પગલા પથાર ડાળી બાઈ બાબા થારા પગલા પથાર દી સુગણા મોરી લાછા બાઈ હરે હરે ભારતી હરજી ભાજી રે હરજી ભાજી રે મન ભાવણીના અજમાલ જીરા કબૂરા અજમાલ જીરા કબૂરા અજમાલ જીરા કબૂરા અજમાલ જીરા કબરા હો બોલી શ્રી અજમલ ગરવતાર કે